नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में रोड का घटिया निर्माण रुकवाया। जिला मुख्यालय रायसेन से करीबन 35 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर नगर परिषद सुल्तानपुर के वार्ड क्रमांक 4 एवं 7 में 850 मीटर सड़क का निर्माण करीब 54 लाख की लागत से महीनों से किया जा रहा है। समय समय पर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में की जा रही खामियों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। इन सब के बावजूद भी सड़क निर्माण निरंतर जारी है। अतिशयोक्ति तब हो गई जब निर्माण के लिए करीब 2 महीने से पड़ी रेत जो तमाम गंदगी की चपेट में आ चुकी थी, पार्षद द्वारा मना करने पर पार्षद प्रतिनिधि द्वारा स्वयं नगर परिषद इंजीनियर से मिलकर उक्त रेत का इस्तेमाल की मना करने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा हठ धर्मिता दिखाते हुए उक्त का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर गुस्साए वार्डवासी सड़क पर आ गए। जब इसकी खबर कांग्रेस समर्थित पार्षदों को लगी तो वह भी मौके पर एकत्रित हो गए। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे नगर परिषद इंजीनियर आकाश कुमार मरावी एवं नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा मामले को रफा दफा करते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य पार्षदों को समझाया एवं उक्त कार्य निर्माण कार्य को बंद कराया। ये सड़क है, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर श्री राम जानकी मंदिर विराजमान है। वही वार्ड में गोल मस्जिद एवं वार्ड 4 में लगे हुए वार्ड क्रमांक 1 में नगर का गुरुद्वारा स्थित है। इसलिए धार्मिक भावनाओं को देखते हुए नगर क्षेत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण सड़क निर्माण है। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 4 में 25 लाख की लागत से एक नाले का भी निर्माण होने जा रहा है, जिससे वार्ड में बरसों से वहां पानी, जिससे सड़क पर पानी पानी बना रहता है। वार्ड में बनने वाला नाला वार्ड की एक पहचान होगी, क्योंकि वार्ड वासियों की नाले निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। समझाइश के बाद हुआ काम चालू। मौके पर इंजीनियर के पहुंचने के बाद मौके से रेत को हटवाया गया। काम बंद के बाद दूसरी रेत आने के बाद काम चालू किया गया, तब जाकर वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली। नगर क्षेत्र में ये पहला मौका सामने आया है। कांग्रेस के पार्षद वार्ड क्रमांक 7 छोटे भैया, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद महबूब हसन उर्फ चांद, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 11 शकील खान, वार्ड क्रमांक 4 पार्षद प्रतिनिधि कमल गोर, जिन्होंने घटिया सड़क निर्माण को लेकर मोर्चा संभाला। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे नगर परिषद इंजीनियर आकाश कुमार मरावी एवं नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा मामले को रफा दफा करते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य पार्षदों को समझाया एवं उक्त कार्य निर्माण कार्य को बंद कराया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है साहब? मेरा नाम कमल गोर है। कौन से वार्ड से बात कर रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 4 का पार्षद हूँ। ये रोड निर्माण हो रहा है, इसमें क्या परेशानी? इसमें परेशानी कुछ नहीं है, सब मनमानी चल रही है। 2-3 महीने से रेत पड़ी है और रेत है नहीं, वो भसुआ है। तो उसमें मिट्टी कूड़ा कचरा मवेशी बैठी रही। और मैंने CMO साहब, अध्यक्ष साहब, इंजीनियर साहब, सबको शिकायत की, लेकिन ठेकेदार इतने घमंड में है कि उसने किसी की नहीं सुनी। और कल मूसाधार बारिश में निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्या होगा भाई? वो तो बना के चल जाएंगे। उपयोग तो हमें करना है भाई, हम नगर के नागरिक हैं, हमें उसका उपयोग करना है। 10-50 साल के लिए रोड बनता है, अगर ऐसी अहमियताएँ पहन जाएंगी तो कोई बोलने तैयार नहीं है। सिस्टम कोई नहीं बोल रहा, नगर पंचायत कुछ नहीं बोल रही। मैं चाहता हूँ कि ये सही निर्माण हो, सही क्वान्टिटी उसमें मिली जाए और रेत बदली जाए। अरे कल मूसलाधार बारिश हो रही, उसके बाद भी यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में रोड बन रहा है, इस संबंध में बात कर जी। बारिश में काम चला है ऐसा मेरे को जानकारी नहीं मिली है। जब पानी रुका हुआ था उस टाइम पे रोड डल रही थी, लेकिन रोड डलने के बाद बारिश हो रही थी, उसके बाद नहीं। जी नहीं, पहले रोड डल गई और उसके बाद बरसात स्टार्ट हुई। मैं यहाँ पे पार्षद महोदय ने आपको पहले अवगत करा था कि रेत खराब, उसके बाद भी यहाँ काम चल रहा। जी हाँ, तो जब मेरे को बताया गया था कि रेत खराब है तो उसके लिए हमने बोला था कि जो अच्छी रेत है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, खराब उसका नहीं किया जाएगा। वही खराब ही हो रहा है। घटिया निर्माण का आरोप जो लगा रहे हैं इसके बारे में? जी निर्माण का अभी कुछ भी खराब नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अच्छी रेत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो खराब रेत हमको सामने दिख रही है इसका पहले टेस्टिंग हो जाएगी, अगर ये खराब पाई जाती है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फिर अच्छी रेत का इस्तेमाल किया जाएगा। काम रुकवा रहे हैं? जी हाँ, ये काम रुकवा रहे हैं। रोड में ये परेशानी है, पहले नंबर तो 2 महीने से रोड हमारा रुका हुआ है, क्योंकि नाली के चक्कर में रुका हुआ था कि बरसात में दिक्कत होगी, रोड रुक नहीं पाएगा। और अब ये रोड बनाया जा रहा है, नाले को टेंडर पास हो चुका है, 25 लाख में टेंडर पास हुआ है। आप नाले को पहले बनाइए, अब रोड बाद में खो देंगे तो वो गलत रहेगा ना। इसकी शिकायत आपने नगर परिषद में की? नगर परिषद में हमारे पार्षद महोदय ने किए और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
बारिश तो अभी क्या पानी आप देख रहे हैं, पानी ये बह रहा है। अब ये चाहते हैं कि पहले रोड बंद हो, पहले नाला बने, पहले नाला बने, जी पहले नाला बने, यही चाहते हैं, उसके बाद ही आगे हो। अब ऐसे में रोड रुक भी नहीं पाएगा, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है उस टाइम रोड बना रहा है। और अभी शिकायत आई है, अभी तो हमारे इधर रोड आया नहीं है, वहीं से चालू हुआ है, सीमेंट भी कम डाल रहा है थोड़ा। अब वहाँ पे जाके देखिएगा, खराब है।